शराब पीने से हुई मौत मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मृतक के परिजनों से मुलाकात करने गए थे और इसी दौरान उन्होंने शराब के काले कारोबार में जो नाम लिए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अजय लल्लू ने कहा कि इसे बेचने वाले बहुत ही निरीह होते हैं, जैसे लंगड़ा, लूला, विधवा, ये सब 10 रुपए कमाने के चक्कर में ये सब बेचते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये असंवेदनशील बयान तब सामने आया जब वो मृतक के परिजनों से मिलने गए। अच्छा, इसको बेचने वाले जो होते हैं ना जी, बहुत निरीह होते हैं। हाँ, जैसे लंगड़ा है, लूला है, वही 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 विधवा है, ये सब बेचते हैं कि 10 रुपया कमाने के चक्कर में, यही है। तो सुना आपने किस तरीके से अजय कुमार लल्लू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपना जो वक्तव्य रख रहे हैं। कुलदीप चौहान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, गए तो संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए थे अजय कुमार लल्लू, लेकिन अब इसे स्लिप ऑफ टंग कहा जाएगा या फिर मन में जो सोचते हैं, जो भाव रखते हैं वो उन लोगों के लिए वो जुबान पर आ गया, ये कहें। बिल्कुल शिल्पा, देखिए बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से चांदीनगर थाना क्षेत्र के चंद्रावल गांव में 6 लोगों की जहरीली शराब या मिलावटी शराब कह दें उसे, उसको पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद जो पीड़ित परिजन है उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर जो पीड़ित परिजन है, जब परिजनों ने उनसे सवाल किया कि हम जानना चाहते हैं कि कौन है वो जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, तो उसके बाद अजय कुमार लल्लू ने वहां पर साफ साफ, जो जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो दिव्यांग और जो विधवा महिलाएं होती हैं वो इस अवैध जो शराब 10 रुपए की लालच में कमाने के लिए इस तरह की शराब के धंधे में लिप्त होती है और शराब बेचते हैं। जी शिल्पा, बिल्कुल। कुलदीप, इस तरीके का बयान देना क्या समझा जाए? एक तरफ आप संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, एक तरफ आप तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आवाज उठाने की बातें करती हैं लोगों की, दूसरी तरफ आप इस तरीके के वक्तव्य रखते हैं सामने। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से विवादित या अमरादित बयान कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू ने ये बयान दिया है, एक तरफ तो पीड़ित परिजन जिन परिवारों के लोगों की मौत हो चुकी है, एक परिवार की है या दिव्यांग लोग होते हैं वो इस शराब बेचने के लिए 10 रुपए कमाने के लिए इस तरीके का जो बयान दिया है कि वो शराब बेचते हैं, तो ये एक विवादित और बेतुका बयान इसे कहा जा सकता है शिल्पा। ठीक कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है अजय कुमार लल्लू की तरफ से, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। अच्छा, इसको बेचने वाले जो होते हैं ना जी, बहुत निरीह होते हैं। हाँ, जैसे लंगड़ा है, लूला है, वही 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 विधवा है, ये सब बेचते हैं कि 10 रुपया कमाने के चक्कर में, यही है। अच्छा, इसको बेचने वाले जो होते हैं ना जी, बहुत निरीह होते हैं। हाँ, जैसे लंगड़ा है, लूला वही 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 विधवा है, ये सब बेचते हैं कि 10 रुपया कमाने के चक्कर में, यही है। अच्छा, इसको बेचने वाले जो होते हैं ना, ये आपने सुना किस तरीके से, किस भाषा का इस्तेमाल अजय कुमार लल्लू कर रहे हैं, और शराब बेचने वाले लंगड़ा, लूला और विधवा होते हैं ये उनकी तरफ से कहा गया, 10 रुपए की खातर इस तरह के काम वो करते हैं, बेहद निरही होते हैं, जो कि उन्होंने कहा। शराब कांड में मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, लेकिन इस बीच वो क्या कह गए और उन्होंने जो भी कहा वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और सामने भी आ गया।